होती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही कारण हमारे लिए वायु प्रदूषण को बढ़ाता है और हमारे स्वास्थ्य को संकट में डालता है। तो सब हम सभी इन चीजों को समझें, जागरूक रहें और ऐसी कार्यशालाएं, ऐसी बैठकों का आयोजन करें। ये किसी खास अवसर पर नहीं, बल्कि जहां हो, जब भी मौका मिले। और हमारे जेएफएम के सदस्यगण, अध्यक्षगण ऐसा हमेशा करते रहते हैं। तो मैं इस अवसर पर अपने बहुमूल्य विचारों के साथ, हमारे बीच में मंचा सेन है, पीसीसीएफ एंड हॉप डॉक्टर संजय कुमार सर, सर आपके मार्गदर्शन एवं विचारों के साथ आपसे